हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निशा और निशा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने साथ आपको एक ऐसी जगह ले चलती हूं जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। जी हाँ, ये है स्वीडन, जो दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है और अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस है। स्वीडन यूरोपियन यूनियन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10.5 मिलियन यानी 1,50,00,000 है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है और ये है स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा सिटी मेलमो। यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3,70,000 है। ये मेलमो का सेंट्रल स्टेशन है। स्टॉकहोम और आसपास के शहरों के लिए ट्रेन्स यहीं से जाती हैं। ये सिटी का सेंट्रल एरिया है। सेंट्रल स्टेशन के पास ही मेलमो का सबसे बड़ा स्क्वायर स्टूर टारगेट है, जो अभी आप देख रहे हैं। स्टूर टारगेट मतलब बिग स्क्वायर। यहीं पर इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। इसी के पास एक छोटा स्क्वायर है, लीला टारगेट। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफे हैं। शाम को तो यहाँ बहुत ही रौनक होती है। मेलमो की मेन शॉपिंग स्ट्रीट भी यहीं पास में ही है। मेलमो में एक कैनाल है जो शहर के काफी हिस्सों में दिखाई देती है। कैनाल में बोटिंग टूर होते हैं जो शहर के मेन मेन प्लेस दिखाते हैं। अभी आप जो ये वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है टर्निंग टॉसो, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ट्विस्टिंग टावर है। यह एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। 190 मीटर ऊंची इस इमारत को बनने में 4 साल लगे। यह स्कैंडिनेविया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग के पास का एरिया है। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। इस जगह का नाम वास्त्रा हेमनन है। वास्त्रा हेमनन में ही ये हार्बर है। ये जो बोट और यॉट आप देख रहे हैं, ये लोगों के पर्सनल हैं। सिटी में ऐसी कुछ जगह हैं जहां लोग अपनी बोट और यॉट पार्क करते हैं। Thank you.
ये मैल्मो का आईकिया स्टोर है और ये हिलिये का रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के सामने ही साउथ स्वीडन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल एम्पोरिया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। चलिए अब आपको पार्क की तरफ ले चलती हूँ। मैल्मो अपने बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े पार्क्स के लिए भी जाना जाता है। ये मैल्मो का सबसे पुराना पार्क कुंग्स पार्कन है। कुंग्स पार्कन मतलब किंग्स पार्क। इसमें फ्लावर गार्डन, कैफे और एक बोटिंग क्लब है। ये पिल्डम्स पार्क है। ये पार्क भी बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं जो इतनी खूबसूरती से ट्रिम करे हुए हैं कि बस देखते ही रहने का मन करता है। यहाँ एक लेक भी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।